हेलो एस्टर, ओपन यस द सनरूफ। ये लीजिए, मेरे कहने पे गाड़ी ने अपनी सनरूफ खुद खोल दी है। नमस्कार, मैं हूँ चेतन मुटानी और आज हमारे साथ है MG एस्टर। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये गाड़ी एम्पावर की गई है और MG दावा देता है कि ये सेगमेंट फर्स्ट है, जो कि हाँ बिल्कुल ऐसे फीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस गाड़ी में काफ़ी इंप्रेसिव है। हम अभी आपको पूरा करके दिखाएंगे इस वीडियो में। बट जो एक सिग्निफिकेंट फीचर है जो इस वीडियो में आपको काफ़ी बारी दिखेगा, काफ़ी बारी मैं इसका जिक्र भी करूँगा, वो है हेलो एस्टर करके। अब हेलो एस्टर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो रोबोट है वो क्या करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं उधर से कैसी लगती है और रोड पे कैसे परफॉर्म करती है। अभी हम MG एस्टर के अंदर बैठ गए हैं और MG एस्टर का जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत स्टर्डी है। अंदर से गाड़ी आपको एकदम प्रीमियम और लग्जरी वाली फीलिंग देगी। जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं बहुत बेसिक रखे गए हैं, कोई फालतू बटन नहीं दिए गए हैं ड्राइवर को कंफ्यूज करने के लिए। अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आए तो म्यूजिक की एक्सेसिबिलिटी, AC की एक्सेसिबिलिटी, वेदर देखना, नेविगेशन देखना, ये साइड में तीन पैनल बना रखे जिसमें बहुत सारी आपको ऐप्स दे रखी हैं म्यूजिक चलाने के लिए और फीचर्स के साथ, वो बहुत कन्वीनियंट फीचर है। अगर मैं अभी अब डेक पे आऊँ तो ये डैशबोर्ड पे लाल लेदराइट बहुत अच्छा फीलिंग देता है गाड़ी में, क्योंकि सीट के कलर को मैच करता है। अगेन जहाँ पे ये एयरबैग का सेक्शन है ये भी ब्लैक लेदराइट से बनता है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील देता है। अभी टर्बाइन कलर की, टर्बाइन के रंग की, टर्बाइन जैसी फीलिंग की एयर वेंट्स है, ये बहुत स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। तो अंदर से जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको सही में लगता है कि आप एक एक स्पोर्ट्स थोड़ी गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी प्लस गाड़ी में बैठे, क्योंकि उसके जो राइवल्स हैं जैसे क्रेटा हो गई, किया सेल्टोस हो गई, वो इन फीचर्स में थोड़ा कम है, लेकिन MG ने इस पे एक स्टेप आगे जाकर काम किया है। MG एस्टर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जो MG ने बहुत हाइप किया गया है, हालांकि ये दो आंखें हैं जो कंटिन्यूसली आपको देखती रहती हैं, थोड़ा सा वो अजीब लगता है क्योंकि कंटिन्यूसली आपको कोई देख रहा है गाड़ी चलाते हुए, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन ये जो फीचर है ये गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। जैसे मैं अभी इंग्लिश में कमांड दूंगा और आपकी सनरूफ खुल जाएगी, तो मेरे को बटन से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखिए कैसे होता है। हेलो एस्टर, ओपन द सनरूफ। ये लीजिए, मेरे कहने पे गाड़ी ने अपनी सनरूफ खुद खोल दी है। हालांकि अभी ये हिंदी में नहीं बोल पाती है गाड़ी, नहीं समझ पाती है, तो भी इंग्लिश को ही बड़ा मुश्किल से समझ पाती है गाड़ी। तो आने वाले समय में ऑफकोर्स गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी, और जब हिंदुस्तान में अगर डेवलप करना है तो डेफिनेटली आपको MG एस्टर हिंदी में भी चाहिए रहेगा।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।